This conference will now be recorded. Must we discuss links, right? Or should I say hyper links, right? So just a snap shot of last class. Okay, we discussed last links, or should I say hyperlink? Tag कौन सा यूज होता है इसको बनाने के लिए? ए टैग, ए बोले तो एंकर टैग, ठीक है, एंड ए, ठीक है. और इसके साथ इसका एक एट्रीब्यूट है जो हमें यूज करना होता है, वो है हमारा एट्रीब्यूट एच आर ई एफ, दैट मीन्स हाइपर रेफरेंस, ठीक है. और अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स, तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, ए ए क्लोज एच आर ई एफ इक्वल टू यू आर एल, एंड हेयर वी राइट हाइपर हाइपर टेक्स्ट. ओके, यहां पर हमें लिखना होता है हाइपर टेक्स्ट जो हमारा वेब पेज पर शो होगा. अब लास्ट मैंने आपको बताया था कि यूआरएल में क्या क्या होता है. तो यूआरएल जैसे अगर हम बात करें तो एच टी टी पी एस कॉलन डब्ल्यू 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 डॉट लेट सपोज गूगल डॉट कॉम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. तो इसमें क्या था कि एच टी टी पी एस दैट इज वॉट ए प्रोटोकॉल, एच टी टी पी एस दैट इज वॉट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल है ये, और इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. वेयर एस का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है, एच टी टी पी इक्वल टू होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस हेयर, एस मींस सिक्योर, ठीक है. I receive answer. That's good, Mini and Vashu. That's good, secure. And later we have मैंने आपको बताया था कि www क्या है हमारा, यह है एक वेब सर्वर और जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना. उसके बाद मैंने बताया था google.com, ये हमारा क्या है, डोमेन है, ठीक है. जो भी हमारा वेबसाइट का नाम है वो हमारा ये है डोमेन, डोमेन, राइट. और बच्चों इसमें ये पूरा डोमेन कहलाया जाता है, ठीक है. और ये जो हमारा ना डॉट कॉम है, डॉट कॉम है, इसको हम कहते हैं कंट्री, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ डोमेन, ठीक है. ये ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे यहां पे मैं आपको बताऊं कुछ, जैसे एक्सटेंशन ऑफ डोमेन डॉट कॉम का मतलब होता है, डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, कमर्शियल, ठीक है. डॉट इन का होता है इंडिया, डॉट EDU का मतलब होता है एजुकेशनल, ठीक है. और डॉट डॉट टीवी, टीवी भी होता है, इसका होता है टेली वी आई एस आई ओ एन, ऐसे. तो इन एक्सटेंशन से जैसे कि क्या होता है ना, जैसे हमारी फाइल होती है, फाइल है हमारी वर्ल्ड, वर्ल्ड की फाइल है, तो फाइल का नाम है सपोज अरुण, हाँ, अरुण डॉट डी ओ सी एक्स. दूसरी फाइल है अरुण डॉट एच टी एम एल. तीसरी फाइल है अरुण डॉट पी वाई. नेक्स्ट फाइल है अरुण डॉट एक्स एल एस एक्स, है ना. तो आप मुझे बता सकते हो कि ये अरुण डॉट डी ओ सी एक्स ये किसकी फाइल है,
ये किस एप्लीकेशन के अंदर यूज होती है, एक्सटेंशन से पता चलेगा हमें, है ना। फाइल किस, नाम तो सब सेम है, ये देखिए ये होता है हमारा नाम, है ना, उसके बाद ये होता है एक्सटेंशन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये अरुण डॉट डी ओ सी एक्स किसकी फाइल है? ओके लेट मी, एम एस वर्ड, दैट्स गुड पलक, पलक मित्तल, दैट्स अ वेरी वंडरफुल आंसर। डॉट एच टी एम एल, इसको सब जानते हैं, एच टी एम एल की फाइल है। डॉट पी वाई, एनी वन कैन टेल? डॉट पी वाई, हर्ष शर्मा ऑल्सो हैविंग द राइट आंसर। पाइथन मिनी, समीक्षा, प्रगति, दैट्स गुड, दैट्स गुड। निमिषा, हर्ष, भूमि, अनुज, सिंगल, खुशी एंड तनिष्का, दैट्स गुड। एक्स एल एस एक्स, ये किसकी फाइल है? एम एस एक्सल, क्या बात है, आप लोगों को सब पता है, हाँ गुड, दैट्स गुड। तो ऐसे बच्चों जब हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, प्रगति एंड खुशी, समीक्षा, दैट्स गुड। ओके, जब हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है इनको, ये जो हमारी वेबसाइट है इनका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन हमें पता चलता है कि हमारी किस टाइप की फाइल है। एक्सटेंशन से हमें क्या पता चलता है कि हमारी वो किस टाइप की फाइल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारी वेबसाइट है ना, डॉट इन का मतलब इंडिया, यानी कि जिसके साथ हमारा डॉट इन लगा होता है। एक तो होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डोमेन, डोमेन एक्सटेंशन, और एक होता है कंट्री एब्रीवेशन, है ना, कंट्री एब्रीवेशन, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने खोला, गूगल खोलते हैं पहले, है मैंने यहाँ पे खोला गूगल, ध्यान देना बहुत जरूरी पार्ट है एकदम। मैंने ओपन किया गूगल और मैंने यहाँ पर ओपन किया अमेजॉन, amazon.com, ठीक है, amazon.com। ये देखिए अब यहाँ पे देखो आपको दो दिख रहे हैं, एक दिख रहा है amazon.in और दूसरा है amazon.com। देखो ये जो डॉट इन है ये वेबसाइट केवल इंडिया के लिए है बच्चों, है ना, और ये amazon.com है, ये इनका जो वेबसाइट है ये यूएसए के लिए है। ठीक है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दिखेंगे उनका जो प्राइस आप देख पाएंगे बच्चों, वो आप देख पाएंगे डॉलर्स में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, शॉप इन लैंग्वेज, सिक्योर पेमेंट, ओके, यू आर अमेजोन डॉट कॉम, यू कैन ऑल्सो शॉप अमेजोन इंडिया। नो नो, इंडिया पे नहीं जाना हमें, यहाँ से देखो कोई प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं, लेट सपोज इसको सर्च करते हैं, है ना, क्या है ये, तो करते हैं दोस्त हु वांड, है ना, चलो इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो प्राइस किसमें है, डॉलर्स में प्राइस है 1.70, है ना, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये किस किस कंट्री के लिए है। डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि केवल डॉट कॉम इंडिया में भी हो सकती है, सॉरी डॉट कॉम इंडिया का भी हो सकता है, लेकिन अमेजोन का जो डॉट कॉम है वो इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया के लिए कौन सा है, यहाँ पर इंडिया के लिए बच्चों मैंने अभी दिखाया आपको ये है डॉट इन वाला, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि यू आर ऑन अमेजोन डॉट कॉम, यू कैन ऑल्सो शॉप ऑन अमेजोन इंडिया फॉर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट विद द फास्ट लोकल डिलीवरी। यानी कि आप अमेरिका वाला यूज कर रहे हो, डॉट कॉम यूज कर रहे हो, आप इंडियन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, लेट सपोज मास्क एंड इसको करते हैं सैनिटाइजर को, तो यहाँ पर आपको प्राइस किसमें मिल रहा है, यहाँ पर आपको प्राइस मिल रहा है बच्चों रुपीज में। देखो रुपीज का सिंबल आ रहा है, और वहां पे प्राइस किसमें मिल रहा था, वहां पर हमें प्राइस मिल रहा था डॉलर्स में, राइट। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है डॉट कॉम डॉट इन में। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं अभी यहाँ पर गूगल डॉट कॉम खोल रहा हूँ, इंडिया के लिए जो है वो है गूगल, गूगल डॉट सी ओ डॉट इन, ठीक है, गूगल डॉट सी ओ डॉट इन, को फॉर कॉरपोरेशन और आई फॉर इन फॉर मतलब इंडिया, तो ये एग्जैक्टली इंडिया के लिए है। ऐसे हम अगर हम यहाँ चाहें गूगल डॉट सी ओ डॉट यूके, ये देखो यूनाइटेड किंगडम का खुल जाएगा, सॉरी मैंने आई लिख दिया ना, आई यूके लिख दिया, माई मिस्टेक, ओके। देखो गूगल की जो यूके की वेबसाइट है वो अलग है, वो है गूगल डॉट सी ओ डॉट यूके, वो मतलब कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डोमेन की अलग अलग कंट्रीज एब्रीवेशन के साथ यहाँ पे ये वेबसाइट बनाई जाती हैं, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि
कि भाई हमारी जो वेबसाइट है वो किससे रिलेटेड है। सीओ का मतलब कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दैट मींस कंपनी। अब देखिए मैं अपनी स्कूल की वेबसाइट दिखाता हूं आपको, एनआर पब्लिक स्कूल, सॉरी एन एन आर पब्लिक स्कूल .edu.in। देखिए इससे इससे कोई मुझे बता सकता है वेबसाइट को देख के कि ईडीयू का मतलब क्या है। डॉट इन, डॉट इन को तो मतलब समझ में आ गया होगा सबको कि भाई इंडिया में है ये वेबसाइट, इंडिया की वेबसाइट है, राइट। एंड डॉट ईडीयू का मतलब एजुकेशनल, दैट्स गुड। द राइट प्रोनाउंसिएशन, द राइट फुल फॉर्म ऑफ दिस दिस मिनी शर्मा, खुशी चौधरी, एजुकेशनल पलक मित्तल, यस भारद्वाज, प्रगति राघव, जिन्होंने एजुकेशन बोला दैट इज नॉट द राइट आंसर, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट फुल फॉर्म। एजुकेशनल, ईडीयू स्टैंड फॉर एजुकेशनल, यानी कि ऐसी वेबसाइट जो एजुकेशनल है वो, देखिए वो एजुकेशनल। अब जैसे एक और मैं आपको दिखाता हूँ माई, मैं आपको दिखाता हूँ एक और दिखाता हूँ आपको। हाँ मैंने यहाँ पे लिखा GOV, माई गवर्नमेंट, ठीक है, माई गॉव। देखो यहाँ पर जो वेबसाइट है, देखो माई गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है, डॉट इन, डॉट इन मतलब इंडिया की वेबसाइट है। ऐसे ही यूपी के लिए भी एक वेबसाइट है बच्चों, ठीक है, उत्तर प्रदेश वेबसाइट, सीधे डाल देते हैं उत्तर प्रदेश वेबसाइट। तो देखो ये है ना up.gov.in, तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश की है, जीओवी मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है, और आईएन मतलब इंडिया की है, ठीक है ना। जीओवी गवर्नमेंट है और आईएन मतलब इंडिया की है। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन सम डोमेन्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो आप इसमें ये लिख सकते हो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट डॉट इन, यूपी गवर्नमेंट डॉट इन, ये यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है इंडिया की। देखिए इसमें सारी चीजें हैं, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। चलिए तो वापस आ जाते हैं अपने पेज पर, ठीक। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन्स एंड ठीक है ना। चलिए डॉट एशिया वेबसाइट, देखो डॉट एशिया मैंने लिखा, ये सारी वेबसाइट वो हैं जो देखिए जो मल्टीपल कंट्रीज में चलती हैं, ठीक है। डॉट एशिया मीन्स एशिया के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कंट्रीज हैं, उन सब के अंदर हम डॉट एशिया मैंने डाला, तो यहाँ पर सारी वेबसाइट जो रिलेटेड टू एशिया हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है बच्चों। एक डॉट ओ आर जी भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल। सबसे सबसे कॉस्टली सबसे कॉस्टली जो बच्चों डोमेन है वो डॉट कॉम है, ठीक है ना। सबसे महंगा और पॉपुलर जो है वो है डॉट कॉम। एक तो होता है, देखो एक तो होता है डोमेन, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोमेन, डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशंस, ठीक है। देखो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ इंटरनेट टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, लिस्ट ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स, इंटरनेट के टॉप लेवल डोमेन्स यहाँ पर आ गए। देखते हैं इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, यहाँ पे बच्चों अल्फाबेटिकली दे रखे हैं, जैसे ए पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ए से रिलेटेड है, डॉट अकेडमी, डॉट अकाउंट, डॉट अकाउंट, डॉट एक्टिव, डॉट एक्टर, डॉट एड्स, अडल्ट, एरियो, अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे, ए से, डॉट एप्पल, ये सारे डोमेन हैं, ये वो सारे डोमेन हैं जो ऑलरेडी बिक चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सी में आ रहा होगा डॉट कॉम वाला, डॉट कैब, डॉट कैफे, कॉल, कैमरा, ये सारे डोमेन्स हैं, है ना, कैटरिंग, फूड सर्विस के लिए, देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, कैरियर्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज होता है, डॉट कार्स, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। डॉट कॉम भी इसमें दे रखा होगा, COM,
कंपेयर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए है। हाँ मिल जाएगा इसी में, ठीक है चलिए। तो ये सारे डोमेन्स आप विकिपीडिया पे जाके इनको सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने कि एक और ऊपर लिस्ट दे रखी है जहां पर ये लिस्ट के अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पर है ना ईयू। देखो यहाँ पर हर एक कंट्री के डोमेन्स हैं, ठीक है। अल्जीरिया डॉट जी जेड, अमेरिका डॉट ए एम है ना। इंडिया का देखते हैं, इंडिया का दे रखा है, देखो सारे इंडिया के हैं ना। हिंद हिंद उर्दू तेलुगु गुजराती पंजाब तमिल बंगाली, ये सब सारे इंडिया के लिए हैं, सारे इंडिया के लिए। ऐसे यहाँ पे फिर ईरान का है, ईरान का कोई डोमेन नहीं है, डॉट आई आर एस है, डॉट आई आर, ठीक है चलो ठीक है। बिकेम अवेलेबल यहाँ पे 2017 में ही अवेलेबल हुआ था उर्दू के लिए, ये 2017 में। बाकी तेलुगु गुजराती पंजाबी तमिल बंगाली कन्नड़ मलयालम असमीज उड़िया कश्मीरी संस्कृत ये सारे हैं, नॉट इन यूज। अभी ये वाले जो हैं कन्नड़ मलयालम ये सारे यूज ही नहीं हो रहे हैं, केवल ये सारे यूज हो रहे हैं। और सबसे पहला जो इंडिया का बना था वो बना था 27 अगस्त 2014 में आया था, डॉट इन। डॉट इन जो डोमेन आया था वो कब आया था बच्चों? 27 अगस्त 2014 में, राइट। चलिए तो आई थिंक दिस इज क्लियर अबाउट द डोमेन एंड कंट्री एब्रिविएशन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कंट्री एब्रिविएशन ना यूज करें, कुछ लोग कुछ वेबसाइट कंट्री एब्रिविएशन यूज करती हैं, जैसे कि अभी अभी हम बताएं कि अमेजोन डॉट कर रहा है, याहू कर रहा है, याहू डॉट इन होता है ना। अपना स्कूल भी कर रहा है, कंट्री डोमेन यूज है ना, डॉट इन हमने लगा रखा है। वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डोमेन है, कंट्री एब्रीवेशन है, कंट्री से पता चलता है कि वेबसाइट किस कंट्री की है। और दूसरा हमारा होता है डोमेन एब्रीवेशन, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो किस चीज से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की तो वो डॉट जीओवी पे होगी, कोई एजुकेशनल वेबसाइट है वो डॉट ईडीयू पर यूज करेगा, अगर कोई कमर्शियल पर्पज वेबसाइट है तो हो सकता है उसके लिए डॉट सीओ यूज करे, या डॉट ओआरजी यूज कर सकते हैं, या डॉट सीओ यूज कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एब्रीवेशन हैं डोमेन्स के, डोमेन के एक्सटेंशन हैं, जिसे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है, ठीक है। चलिए सो बैक टू द टॉपिक। अभी अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे एंकर टैग की, उसके साथ हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। तो वापस आ जाते हैं कि अगर मुझे कोई कोई लिंक बनाना है, कोई लिंक मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली बच्चों एंकर टैग यूज करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने कल भी यूज किया था, देख लीजिए ध्यान से। एक हमें, मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, एक हमें एंकर टैग यूज करना होगा, राइट। और एंकर टैग के बाद हमें वहां पर एक एट्रीब्यूट लगाना होगा, HREF, HREF, इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। और इस हाइपर रेफरेंस के अंदर हमें वो एड्रेस, वो यूआरएल देना होता है जहां पर हमें जंप करना है, जहां पर हमें पहुंचना है ना, जहां पर हमें अपने इस वेबसाइट से पहुंचना है वो हमें यहाँ पर देना होता है। तो हम कोई भी इंटरनेट का दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक का निकाल देता हूँ, www.fb.com, ठीक है। तो ये फेसबुक खुल चुका है बच्चों, मैं इसका डोमेन कर लेता हूँ। और देखिए वापस मैं गूगल पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जाके इस फेसबुक के डोमेन को, मतलब यूआरएल को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो फेसबुक का यूआरएल है https://www.facebook.com, राइट। ये मैंने बंद कर दिया, आई सेव इट। बच्चों ये तो वो एड्रेस है जहां पर हमें पहुंचना है, जंप करना है। लेकिन एक और चीज जब हमें चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, कि एक पर्टिकुलर नेम पर हम क्लिक करेंगे और हम एक लोकेशन पर क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। तो वो नेम हमें, वो टेक्स्ट हमें देना होता है एंकर टैग के बीच में, ठीक है। वो टेक्स्ट हमें कहाँ देना होता है, वो हमें टेक्स्ट देना होता है एंकर टैग के बीच में। और यहाँ पे अगर हम जो टेक्स्ट देते हैं वो हमारा वेब पेज पर शो होगा, ये शो नहीं होगा। ये जो हमारा यूआरएल हमने डिफाइन किया है ये वेब पेज पर शो नहीं होगा, वेब पेज पे केवल क्या शो होगा, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। सो आई आई राइट हेयर क्लिक फॉर फेसबुक,
आई राइट इट एंड अनदर अनदर लिंक आई एम क्रिएटिंग हियर आई एम राइटिंग क्लिक फॉर गूगल यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं गूगल डॉट सीओ डॉट इन ये वाली करते हैं हम लोग ठीक है। चलिए मैंने इसको सेव कर दिया है बच्चों। सेव करने के बाद इसको मैं करता हूं ओपन अपने वेब पेज को रन कराता हूं जल्दी से। तो यहां पर है ये हमारा होम होम डॉट ये है हमारा होम डॉट एच टी एम एल ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों लिंक आ गए हैं। मैं वहां पर एक बी आर लाइन दे देता हूँ जिससे कि मुझे स्पेस थोड़ा सा वहां पर अवेलेबल हो जाए। अब यहाँ पर एक बी आर टैग दे देता हूँ राइट जिससे कि हम यहाँ पर एक स्पेस हमें मिल जाएगा ठीक है मिल गया। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा बच्चों ये क्या खुलेगा हमारा फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा फेसबुक खुल जाएगा फेसबुक वाला पेज। मैं इस पर क्लिक करूंगा गूगल पे तो यहाँ पर आपका गूगल का पेज खुल जाएगा और वो कौन सा जो हमने वहां पर एड्रेस दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज और है कि जैसे ही मैं इसको ओपन कर रहा हूँ है ना जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखो ये इसी टैब में खुल जाता है इसी टैब में देखो होम डॉट एच टी एम एल थी इसी टैब में खुल जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँ ये नई टैब में जाके खुले जैसे अपन करते हैं ना। ओके जैसे मन करते हैं कि राइट क्लिक किया और कह रहे हैं ओपन ए न्यू टैब ये ऐसे ही खुले नई टैब में जाके खुले। तो बच्चों इसके साथ ना एक और एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं एक और नया एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है टारगेट टारगेट इक्वल टू फिक्स एस की वैल्यू अंडर स्कोर ब्लैंक ठीक है टारगेट TARGET टारगेट। अगर हम ये एट्रीब्यूट डाल दें अपने एंकर टैग के अंदर तो हमारी जो टैब है वो हमेशा किससे खुलेगी न्यू से खुलेगी न्यू टैब खुलेगी ठीक है। जस्ट टाइम चेंजिंग देखिए कहां पर यहां पर चेंज करते हैं फेसबुक वाले में यहां पे हमने लिखा टारगेट इक्वल टू अंडर स्कोर ब्लैंक ठीक है टारगेट अंडर स्कोर इक्वल टू ब्लैंक ये हमने किया। तो इसको कैसे करेंगे चेक करते हैं अपने पेज पर। अब देखो इसको रिफ्रेश कर देते हैं पहले तो कोई खास चेंज नहीं आया है। मैं एक और साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि और थोड़ा क्लियरिटी से देखे आप लोगों को। चलिए चलिए तो देखो मैं इसको बच्चों अभी किसको कर रहा हूँ क्योंकि हमने टारगेट इसी में लगाया। आपने ध्यान देना यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल है ये इस पर इस वाली टैब पर नहीं खोलेगा बल्कि देखो एक नई टैब खुल गई। देखो होम डॉट एच टी एम एल एज इट इज एक नई टैब खुल गई क्योंकि हमने गूगल में ऐसा नहीं लगाया था तो गूगल हमारा इसी टैब में खुल जाएगा इसी टैब में पुरानी वाली ये टैब में खुल जाएगा। लेकिन हमने फेसबुक पे किया हुआ है तो फेसबुक के लिए हमेशा क्या खुल रही है बच्चों नई टैब खुल रही है। कैन यू सी न्यू टैब में हमारा फेसबुक ओपन हो रहा है। तो टारगेट एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा लिंक है हम वो चाहते हैं कि भाई जैसे हम उसको क्लिक करें वो हमेशा नई टैब में ही जाके खुले तो उसको हम क्या कर सकते हैं टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं ठीक है बच्चों समझ आया। एनी एनी क्वेरी विद दिस यस एनीवन ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। आज मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है बच्चों आज की वीडियो में डेफिनेटली आपको दे दूंगा ठीक है। और एक बार ना मेरे को क्लास स्टार्ट होने से पहले रिमाइंड करा दिया करो चैट बॉक्स में कि सर रिकॉर्डिंग कर लेना तभी मैं भूल जाऊं कल लॉस हो गया ना हमारा कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया आप लोगों के लिए। चलिए सो बैक टू द टॉपिक कि एंकर टैग हमें अभी समझ में आ गया कि कैसे हमें टैग्स करना है ठीक है। नाउ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों चलिए मैं आपको एक और रिक्वायरमेंट बताता हूँ। जैसे मैंने कोई वेबसाइट खोली एक वेबसाइट है आप लोगों को पता होगा w3schools.com है ना ये HTML के लिए वेबसाइट है मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो क्या करते हैं इस वेबसाइट के बॉटम में चलते हैं है ना देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं।
कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, अपनी एनआर वाली भी ओपन कर लेते हैं, शायद उसमें है। अरे यार एनआर पब्लिक स्कूल, ठीक है ये हमने ओपन किया और इस पे चलते हैं अपन लोग नीचे। और बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आइकन देख रहे हो, फेसबुक का आइकन, ट्विटर का आइकन, लिंक इन का आइकन, यूट्यूब का आइकन। देखो तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, है ना, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा फेसबुक का पेज खुल रहा है। देखो यहाँ पर ना कोई ऐसे नहीं लिख रहा, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि क्लिक फॉर फेसबुक या क्लिक, ऐसे नहीं लिख रहा, बस आइकन बना हुआ है। जैसे ये जो हाईलाइट हो रहा है ये हम बाद में सीखेंगे, हाईलाइट वाला करना, ठीक है, कि जैसे इस पे लेके जाए हाईलाइट हो जाए, हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल ये कि जैसे इस पे लेके जा रहा हूँ, देखो बच्चे क्या खुल रहा है, फेसबुक खुल जा रहा है ना। तो हम चाहते क्या, ये किस इस तरह के लिंक को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस तरह के लिंक को, हम कहते हैं इसके लिंक को इमेज लिंक। मैंने कल आपको बताया था टू टाइप्स ऑफ लिंक्स अवेलेबल, टू टाइप्स ऑफ लिंक्स आर अवेलेबल, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ। तो कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया था टेक्स्ट लिंक, जहां पर हम टेक्स्ट पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर जंप करते हैं। एक दूसरा एक मैंने आपको बताया था इमेज, इमेज लिंक, राइट, ये दो बताए थे। टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इमेज लिंक में क्या करना है, बहुत आसान है बच्चों, कि बस हमें अपना इमेज लिंक समझ लीजिए, ए सब कुछ वैसा ही है, HREF, यहाँ पर हमको URL डाल देंगे एंड एंकर टैग हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम हाइपर टैग्स लिखते थे, इसकी जगह हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज टैग लगाना है, बस, यानी कि इमेज को इस एंकर टैग के अंदर डाल देंगे। जो हमारा इमेज टैग होता था ना, उसको हम क्या करेंगे, इस एंकर टैग के अंदर डाल देंगे। जैसे उस इमेज को हम इस एंकर टैग के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये इमेज हमारा क्या बन जाएगी, एक लिंक बन जाएगी, इमेज भी हमारी क्या बन जाएगी, एक लिंक बन जाएगी। देखो कैसे करना है, चलिए तो क्या करते हैं, कुछ फोटोज डाउनलोड डाउनलोड करते हैं पहले जल्दी से, एंड मुझे याद डाउनलोड करनी है फेसबुक लोगो, ठीक है, फेसबुक का लोगो डाउनलोड करते हैं। इमेजेस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये कुछ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे एक बहुत सुंदर सी लग रही है ये, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और अपने फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर फोल्डर में हमने कॉपी कर दी। उसके बाद हम उठाते हैं यहाँ से गूगल का, गूगल लोगो, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट स्मॉल, ठीक है, आइकन, आइकन लेना है ना हमें, आइकन, तो आइकन ले लेते हैं गूगल का, ये वाला ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको भी अपने पहुंचा देते हैं फोल्डर में अंदर, ठीक है पहुंच गया। उसके बाद गूगल का हो गया, उसके बाद ले लेते हैं कोई और, अपने एनआर का लेवल लेते हैं, एनआर पब्लिक स्कूल खुर्जा लोगो, ठीक है, एनआर का लोगो भी उठा लेते हैं। ओके ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एनआर की वेबसाइट से जाके ले लेता, ठीक है, ये आ रहा है ना लोगो, यहाँ से लोगो उठा लेता। कहाँ पर था ये, और इमेज में जाके कर देते हैं कॉपी, ठीक है, हो गया कॉपी। अब देखो इसमें हमारी बहुत सारी अलग अलग इमेज आ रही हैं, तो देखते हैं इसको कर देते हैं हम शॉर्ट में एनआर, ठीक है, इसको कर देते हैं क्या FB, इसको कर देते हैं क्या जी फॉर गूगल, ठीक है। अब इनको फाइल का टाइप चेक करते हैं बच्चों, ये सबका लिंक मुझे बनाना है ना, तो फाइल का टाइप चेक कर लेते हैं, ये फाइल जो है ओके FB वाली JPG है, JPEG
जी वाली पीएनजी है और एनआर वाला देखते हैं, एनआर वाला भी जेपीजी है, बस गूगल वाली पीएनजी है, बाकी सारी जेपीजी है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने वेब पेज पर। और फेसबुक, अब देखो यहाँ पर फेसबुक की जगह मुझे क्या लगाना है, लिंक लगाना है, तो क्या करेंगे, आई एम जी एस आर सी इक्वल टू, ठीक है, एस आर सी इक्वल टू, और बस यहाँ पर क्या करना है, इमेज चेंज करना है, तो इमेजेस स्लैश एफ बी डॉट जे पी जी, और इसको ना आइकन को छोटा कर देंगे, विद इक्वल टू कर देते हैं इसको 50 और हाइट हाइट इक्वल टू कर देते हैं बच्चों 40। ठीक है, एक इमेज लगा दी ऐसे, यहां पर अब दूसरी इमेज सेट करते हैं। ठीक है, और दूसरी हमारी गूगल की थी, तो गूगल के लिए क्या था, जी था, और उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट पी एन जी जी, इसको भी इतना ही साइज रहने देते हैं। फिर एक और बना लेते हैं, एक और हमने करी थी एनआर वर्ग स्कूल के लिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमारा नाम था एनआर, सॉरी कैपिटल में हो गया एनआर, और वो थी हमारी जेपीजी, जेपीजी, और इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पे हमें यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, एनआर पब्लिक पब्लिक स्कूल डॉट ईडीयू डॉट इन, ठीक है, ये हमें करना है। ठीक है, हो गया, डन हो गया, चलिए तो सेव कर दिया मैंने इसे। और सेव करने के बाद चलते हैं अपने बच्चों वेब पेज पर, और वो था हमारा होम, होम डॉट एच टी एम एल, इसको लिखते हैं, ठीक है, ये आ गए। आप देख रहे हो आइकन सारे बी आर लगा रखा है शायद मैंने ना, बी आर हटा देते हैं, बी आर हटा देते हैं, और ना ये देखो अभी पता है आपको क्या, ये वेब पेज का साइज बहुत बड़ा किया हुआ है मैंने, इसलिए इतने बड़े दिख रहे हैं, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहे छोटे छोटे। अब देखो आपको क्या है, इसको आप ऐसे लेके जाओगे, आइकन बन रहा है, इस पर भी लिंक बन रहा है, इस पर भी, है ना, और अपन ना सारे सारे में लगा देते हैं टारगेट लगा देते हैं, ताकि नए वेब पेज पर खुले, टारगेट लगा देते हैं इधर, और टारगेट और टारगेट, सॉरी ओ कंट्रोल जेड, और इसको करा कॉपी, और इधर जाके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया, सेव हो गया, वेब पेज पे वापस चलते हैं, F5 कर देते हैं। अब देखो जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा बच्चों, नए नए डोमेन पे क्या खुल रहा है, नई नई टैब पे फेसबुक का, ठीक है, ऐसे फिर मैं गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल का पेज खुल रहा है मेरा, ऐसे ही मैं एनआरपीएस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एनआरपीएस का, ओ सब मिस्टेक, PUBLICSCH, ओके देर इज सम मिस्टेक आई थिंक, मैं देखता हूँ इसको कॉपी कर लेते हैं, मे बी आई आई डिड सम मिस्टेक, तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब ठीक है, अच्छा हमने HTTPS पर खोल दिया था, और एस पर तो हमारी कोई वेबसाइट है ही नहीं, है ना, एनआरपी, तो वापस आ जाते हैं होम होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है, अब देखो एनआरपीएस के लोगो पे क्लिक करूंगा, तुरंत क्या खुल गई, एनआरपीएस की वेबसाइट ओपन हो गई, समझ रहे हो आप मेरी बात कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पर टेक्स्ट लिंक बनाया, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इमेज लिंक बना रहे हैं, और इमेज के एट्रीब्यूट भी हम डाल सकते हैं, जैसे इमेज का एक एट्रीब्यूट होता था आपको याद है, ALT, यहाँ पे हम डालते हैं एनआर वेबसाइट, एनआर वेबसाइट, ठीक है ना, यहाँ पर हम डालते हैं ALT इक्वल टू, अल्टरनेट नेम डालते थे ना हम, गूगल पेज, गूगल होम यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पर हमने डाल दिया फेसबुक, फेसबुक होम पेज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और ये हमारा था ALT, ALT इक्वल टू,
अल्टरनेट के, बाई चांस अगर इमेज ना आए तो वहां पर ये लिखा आ जाए। चलिए इमेज में थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं एनआर के में, चलिए वापस आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, एनआर वेबसाइट। अब इस पे भी क्लिक करोगे तब भी एनआर की वेबसाइट खुलेगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि लिंक प्रॉपर है, लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसमें, इमेज शो नहीं हो रही है। तो इमेज नहीं शो हो रही तो वहां पर क्या आ गया, वहां पर जो अपने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया था वो आ गया, और उस पर भी हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट इमेज लिंक। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, है ना। वी कैन क्रिएट इमेज लिंक एज वेल एज वी कैन क्रिएट टेक्स्ट लिंक। तो टेक्स्ट लिंक कैसे क्रिएट करना है, इमेज लिंक कैसे क्रिएट करना है, नाउ बोथ थिंग्स आर क्लियर टू यू, एग्री और नॉट? हाउ टू क्रिएट इमेज लिंक, हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट लिंक, बोथ थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट? टुमोरो वी डिस्कस हाउ टू कनेक्ट वन एचटीएमएल पेज टू अनदर एचटीएमएल। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारी वेबसाइट है इंटरनेट पर उनको हम ओपन कर रहे हैं, इंटरनेट पर जो हमारी वेबसाइट है उनको ओपन कर रहे हैं। अभी फिलहाल मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगी कि एक हमने वेबसाइट बनाई यहाँ पर, ठीक है, एक वेबसाइट बनाई यहाँ पर, और यहाँ पर हम पेजेस को लिंक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने बना दिया एक होम पेज, होम पेज है ना। फिर यहाँ पर दूसरा हमने बना दिया ऐसे गैलरी, गैलरी। तो यहाँ पर तीसरा पेज बना दिया हमने कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज बना दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम अलग अलग पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। और हमने एचटीएमएल के तीन पेज बनाए और तीनों पेज को हम एक ही पेज पर लिंक करेंगे, ठीक है बच्चों। तीनों पेज को हम कहाँ पर लिंक करेंगे, एक ही पेज पर लिंक करेंगे, ये हमें सीखना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा कल का पार्ट है। कैसे हमें लिंक करना है मल्टीपल एचटीएमएल, अभी तक तो हमने सिर्फ वेबसाइट्स को लिंक किया, एक वेबसाइट हमने यूआरएल डाल दिया। अब हम कल एचटीएमएल पेजेस बनाएंगे, तीन एचटीएमएल पेज बनाएंगे, एक छोटी सी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, बहुत छोटी सी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं एक आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको एक वो अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना, दिस कंप्लीट फ्रॉम माई साइड, बाकी कल डिस्कस करते हैं।